Hello everyone. In the last video, we have learnt about air and its uses. बेटा अपने पीछे जो पहले जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें क्या सीखा था, एयर और उसके यूजेस के बारे में सीखा था. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो रीड करते हैं. ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. आपको पता है जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका 3/4 पार्ट यानी 3/4. अब मैंने आपको जब हमने जो फ्रैक्शन समझे थे तो क्या किया था, जैसे ऐसे ही होता है ना, 4 पार्ट्स हो गए ना अर्थ के. तो अगर हम इन 3 पार्ट्स को शेड करें तो जो ये पार्ट है 3/4, ये पार्ट आपका क्या है, पानी है इतने पार्ट में, और सिर्फ 1/4 पार्ट में आपका क्या है, लैंड है. ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कि लगभग अर्थ की पृथ्वी की जो सरफेस का 3/4 हिस्सा है वो पानी से कवर किया गया है. वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म्स ऑफ आइस, वाटर, वाटर वेपर्स. अब क्या कह रहे हैं कि पानी किस किस फॉर्म्स में मिलता है आपको, वाटर के फॉर्म्स क्या क्या हैं, 3 फॉर्म्स में मिलता है आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. ठीक है, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म में मिलेगा आपको. सॉलिड में आपको क्या मिलेगा, आइस. लिक्विड में आपको, जैसे वाटर लिक्विड ही है, एंड देन गैस में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे वेपर्स हो जाएंगे उसके, जो भाप बन जाते हैं वो. ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड वाटर वेपर. इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग, कि एक फॉर्म से, जैसे आइस है, आइस से अगर हमें वाटर में आना है तो उसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, गर्म करेंगे. तो बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो पानी में बदल जाता है. इसी तरह से मेल्ट भी होती है बर्फ़, तो अगर हम बिना गर्म करें उसको नॉर्मली रख दे थोड़ी देर, तो वो मेल्ट होके क्या हो जाती है, पानी बन जाती है. उसी तरीके से अगर हमने पानी को ठंडा किया तो वो क्या बन जाएगी, वापस से बर्फ़ बन जाती है. पानी को हीट करते हैं तो क्या बनता है, उससे गैस इस फॉर्म में आ जाता है ना, वाटर वेपर्स बन जाते हैं, जो भाप बन के उड़ जाती है. ठीक है, तो ये सब हम इसमें सीखेंगे. When water is heated, जब भी पानी को गर्म किया जाता है, it changes into water vapors. पानी लिक्विड में है तो लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो वाटर वेपर्स में चला जाता है, यानी भाप में बदल जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, evaporation. बेटा ध्यान से देखना, जो ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन है तो आपको ये अच्छे से करनी है. व्हेन वाटर इज हीटेड, जब भी पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स. वो किस में बदल जाता है, वाटर वेपर्स में बदल जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. कौन सी प्रोसेस बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन बोलते हैं, जिसमें पानी गर्म होकर किस में बदलता है, भाप में बदलता है. क्लियर. अब देखो, आपने यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है ना, ये पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करके यहाँ पे ये पानी ऐसे भाप बन के उड़ रहा है ना, तो क्या है, लिक्विड से किस में चला गया, वो गैसियस फॉर्म में चला गया. तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, इवेपोरेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन, अब ये जो भाप पानी से जो भाप उड़े हैं गर्म करने पे, जब हम इन भाप को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर, वो फिर से पानी में बदल जाते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, कंडेंसेशन. तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है बेटा, ये डेफिनेशन है आपकी. तो फिर से देखो, व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब भी पानी के जो वेपर्स हैं, भाप है जो, वो ठंडी होती है, इट चेंजेस इनटू वाटर, वो वापस से पानी में चेंज हो जाती है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. इन द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड में ये पिक्चर दी गई है, वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल प्लेट. ये देखो, यहाँ से जो कैटल है, इससे जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और ये जो ठंडी प्लेट है इसके ऊपर जब वाटर वेपर्स जाके कॉन्टैक्ट में आते हैं, इससे टकराते हैं जब, तो ये ठंडी है तो क्या होते हैं, यहाँ पर ठंडे हो जाएंगे वाटर वेपर्स, और ठंडे होने के क्या बाद क्या हो जाते हैं, पानी की बूंदे बन जाती है. और ये बूंदे इस बीकर में हमने इकट्ठी कर ली, तो ये क्या आ गया, लिक्विड फॉर्म में वापस आ गया. तो इसको क्या कहते हैं हम. तो बेटा हमने क्या सीखा कि जो ये पिक्चर में आप देखेंगे कि जब ये कूल डाउन हुआ तो क्या हुआ, वो भाप में वापस जो है, भाप उसमें किस में बदल गई, पानी में बदल गई, और यहाँ पे कलेक्ट हो गई. तो ये चीज़ हमने सीखी. और ये चीज़ बेटा आपने किचन में भी देखी होगी कि जब मम्मी जैसे दूध बॉयल करती है, मिल्क को बॉयल करते हुए देखा होगा आपने मम्मा को, तो मम्मा जब उसके ऊपर, मिल्क के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं बॉयल करने के बाद, एंड जब उस ढक्कन को उठाते हैं मम्मा, लिड को जब भी उठाते हैं, तो उसके ऊपर पानी की बूंदें दिखेंगे आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स
दिखती है। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन। इसी तरीके से बेटा अगर आप कभी देखो कि ग्लास ले लो, आप कोई भी ग्लास लो, जैसे स्टील का ग्लास ले लिया आपने मान लो, उसमें आइस क्यूब्स डाल दो, बर्फ़ डाल दो, उसको थोड़ी देर तक आप छोड़ के देखो, तो आपको जो ग्लास के बाहर वाली साइड है वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो भी किस वजह से हुए? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के कारण होते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या हुआ कि जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडे होके पानी में बदल जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देनी है डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के बारे में से। तो फ्रीजिंग में क्या है, जब पानी को और ज़्यादा कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो इट चेंजेस इनटू आइस, वो क्या बन जाती है? बर्फ़ बन जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। कौन सी प्रोसेस होती है? फ्रीजिंग। आपने देखा होगा ना, आप अपने जो फ्रिज होता है उसका जो फ्रीज़र वाला पार्ट है उसमें ऐसे ट्रेज में पानी डाल के उसको फ्रीज़र में रखते हो, और जब आप उसको कुछ टाइम बाद निकालते हो तो क्या बन जाती है? उसमें आइस बन जाती है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। तो कैसे हुआ ये कि ये किस प्रोसेस के कारण होता है? फ्रीजिंग के कारण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीजिंग क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? जब पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो वो किस में बदल जाता है? आइस में बदल जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग में हमने क्या बताया था कि पिघलना, ये जैसे आइस ली गर्मी के कारण, ये किस में बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। या आइस मेल्ट्स ड्यू टू हीट एंड चेंजेस इनटू वाटर। आइस गर्मी के कारण मेल्ट होती है, पिघल जाती है और पानी में बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है ये? मेल्टिंग। We now know that there are different forms of water. अब आपको सबको पता है कि पानी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है? आइस, ठीक है। पहली फॉर्म आइस, देन वाटर एंड वाटर वेपर्स, लास्ट क्या है? वाटर वेपर्स। इन नेचर वाटर कंटिन्यूसली कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म। अब जो हम प्रकृति में देखते हैं, नेचर में देखेंगे तो क्या देखेंगे? जो ये वाटर है लगातार अपने जो फॉर्म्स हैं उनको चेंज करता रहता है, ठीक है। तो जो वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल के थ्रू आएगा, ठीक है। ये वाटर साइकिल वाला जो चैप्टर टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास में हमने चार पॉइंट्स किए, आपको ये चार पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। कौन कौन से पॉइंट किए थे एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमने क्या था? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हमने क्या सीखा था? जब पानी गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कंडेंसेशन, यानी जब वाटर वेपर्स को हम ठंडा करते हैं तो वो वापस पानी में बदल जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। दो प्रोसेस डन। नेक्स्ट था फ्रीजिंग, पानी को ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? आइस में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। एंड लास्ट क्या था? मेल्टिंग, जब आइस को गर्म करते हैं और वो वाटर में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। तो इसके साथ बेटा आपका ये जो है ये फोर पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने, ओके बेटा, थैंक यू।